मैं बीएससी फॉरेस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री से स्कॉस्ट कश्मीर। हमारे यहाँ जमा होने का वाहिद यही मकसद है, जो रिसेंटली एक ड्राफ्ट बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग, 2004 फॉरेस्ट रूल्स के अकॉर्डिंग, उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको चेंज करके बीएससी और बीटेक को भी इंक्लूड कर दिया गया है। ये आप ऐसी बात मान लीजिए कि किसी और डिग्री को उठाकर किसी और डिपार्टमेंट में डाल देंगे, कश्मीरी वाले स्टूडेंट को उठाकर इंग्लिश डिपार्टमेंट में डाल देंगे, मेडिसिन वाले स्टूडेंट को उठाकर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में डाल देंगे। अगर हम टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, 11 साल पढ़ रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, फॉरेस्ट में ही कर रहे हैं, आप ये पोस्ट उठाकर किसी और के लिए एलिजिबल कर देंगे, हम लोग जाएंगे कहाँ? हम तो 10+2 पोस्ट के लिए भी फिर एलिजिबल नहीं रहेंगे। इससे जो है हमारा फ्यूचर एक मिनेंस पे आ जाएगा, हम लोगों का जो फ्यूचर है डिमिनिश हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, और बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसीज की इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं आए दिन कश्मीर में की हालात क्या हैं, इससे बच्चे डिमोटिवेट डिस्करेज हो जाएंगे, सड़कों पर आएंगे आए दिन, कोई कहाँ से सुसाइड करेगा वो हमें भी नहीं पता चलेगा। इस हिसाब से तो हमें जो इंतज़ामिया है उनका यही, हम लोग की यही रिक्वेस्ट उनसे है कि हमारे इन मुतालबात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे बारे में सोचें, इस आरओ पोस्ट को हमारे लिए रख दें, एलिजिबल कर दें, हम बीएससी फॉरेस्ट्री को इसके लिए एलिजिबल कर दें और हमारे फ्यूचर को बर्बाद होने से बचाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बासित है और मैं बीएससी फॉरेस्ट ग्रेजुएट हूँ। हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए क्योंकि कुछ दिन पहले फॉरेस्ट गवर्नमेंट से एक प्रपोजल आया था, एक अमेंडमेंट आया था कि रेंज ऑफिसर का पोस्ट जो फिल होने वाला है, जो उसकी वैकेंसीज निकली थी, वो कोई भी फिल कर सकता है। यानी मतलब जो भी जनरल बीएससी अगर कोई कर रहा है वो आके कर सकता है। और हाँ, इससे हमारी जो डिग्री है जैसे बीएससी फॉरेस्ट्री, हम इसकी स्पेशलिस्ट है, ये हमारी स्पेशलिटी है कि हम ये जो पोस्ट्स है इनको फिल कर सकते हैं। और हमारे पास टेक्निकल हैंड है, हमने फॉरेस्ट मैंसुरेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट प्रोडक्शन सब पढ़ के ये कोर्सेज कंप्लीट कर रखे हैं, और वो जनरल बीएससी में नहीं होता। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये जस्टिस होगा अगर कोई और जनरल बीएससी वाला आएगा और वो पोस्ट फिल करके ये उसके साथ जस्टिस होगा? वो शायद फॉरेस्ट हैंडल ना कर पाए। हम ऑलरेडी स्पेशली ये कोर्स पढ़ते हैं, 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स है। बट अब जब गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट ली, उससे पहले जो प्रीवियस पोस्ट जैसे फॉरेस्ट गार्ड था, जैसे ACF था, वो जो कोर्स थे उनका भी चेंज कर लिया था। अब जो हमारा एक पोस्ट बचा था गैजेटेड फॉरेस्ट रेंज, अब इसका भी चेंज करके इन्होंने जनरल बीएससी रख दिया। तो हमारी जो डिग्री है उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं रही, हमारा स्पेसिफिक फील्ड है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और हमें कहीं ना कहीं इसी में एब्जॉर्ब होना है, इसी में डाइजेस्ट होना है, ताकि जो हमने पढ़ा है 4 साल, जो हमने पढ़ा है, जो हमने टेक्निकली सीखा है, जो हमने टेक्निकली देखा है, वह कल को आगे हम अप्लाई करके फॉरेस्ट को बचा सके, रिन्यू कर सके, रिग्रो कर सके, रिजनरेट कर सके। और वो जो स्पेसिफिक जो भी जो हमारी जो हमारा 4 साल का पढ़ा होता है वो हर एक जगह फॉरेस्ट मैंसुरेशन है वो इसमें अप्लाई होता है। मगर अब कोई भी ग्रेजुएट अगर आके वो उस फील्ड में जाएगा, वो वहाँ पर जस्टिस नहीं कर पाएगा, वहाँ पर वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने वो सब नहीं पढ़ा होता है जो हमने पढ़ा होता है 4 साल।